हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे गाइस। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपने इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन किस तरीके से हाइड करें। जी हाँ दोस्तों, मेरी एक वीडियो थी व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन किस तरीके से हाइड करें, उस पर काफी सारे कमेंट्स आए थे सर कि हम अपने इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन किस तरीके से हाइड करें, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप के साथ साथ इंस्टाग्राम भी काफी ज्यादा एक प्राइवेसी ऐप हो गई। उस पर भी लोग काफी ज्यादा चैटिंग करते हैं, अपनी पर्सनल चैट्स करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा फोन कहीं बाहर हमारे घर में रखा होता है, हम ऐसी जगह जाते हैं जहां हमारा फोन रिलेटिव वगैरह में जाते हैं और हमारे फोन पे कोई मैसेज आता है तो हमारी स्क्रीन के ऊपर ही शो कर जाता है कि इस पर्सन का मैसेज आया है। तो व्हाट्सएप पे तो मैंने बता दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसको भी दे सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे आप अपना नोटिफिकेशन किस तरीके से हाइड कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना हो। वीडियो में जाने से पहले मेरे बारे में जान लो, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं विवेक टेक ऑफिशियल चैनल को। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे अगर कोई भी मैसेज आता है तो इस तरीके से हमारी स्क्रीन पे शो होने लगता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारे स्क्रीन पे इस तरीके से मैसेज आए इंस्टाग्राम पे और शो ना हो, तो उसके लिए हमें क्या सेटिंग करनी पड़ेगी, तो मैं आज को आपको यही बताने वाला हूँ वीडियो को, तो वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। तो चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हमको क्या सेटिंग करनी है, ओके। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें जाना है पहले अपने इंस्टाग्राम के अंदर। इंस्टाग्राम के अंदर जाने के बाद हमको जाना है यहाँ पर थ्री लाइन्स पे, थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद हमको जाना है सेटिंग में, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा डायरेक्ट मैसेज एंड कॉल, आपको उस पर टिक करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, मैसेज रिक्वेस्ट, मैसेज ग्रुप रिक्वेस्ट और वीडियो चैट। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मैसेज का ऑप्शन आ रहा है इसको आपको कर देना है ऑफ। ऑफ करने के बाद फ्रेंड्स क्या होगा, अगर अब आपके इंस्टाग्राम पे कोई भी मैसेज आएगा, आते ही के साथ ही वो आपके स्क्रीन पे शो नहीं होगा। जब आप इंस्टाग्राम को ओपन करोगे तो आपके मैसेज में दिखा देगा कि आपके पास एक मैसेज आया हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो जाएगी, जिससे आपको पता जाएगा कि हाँ मेरे इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आया है। तो गाइज, इस तरीके से आपका मैसेज आपके स्क्रीन पे शो नहीं होगा, जिससे आपकी पर्सनल चैट पर्सनल ही रहेगी। तो कैसी लगी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए ऐसी टैक्स रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो मिलते हैं गाइस एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।